समस्या गांव में? हमारे गांव में 8-10 वर्ष हो गए हैं सरकारी टंकी को लगे हुए, लेकिन हमारे जाटर समाज में इसका पानी बिल्कुल नहीं आता है और सारे समाज में पानी आ रहा है। यहाँ हम पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। अपनी समस्या जो क्या, ये पानी नहीं आ रहा है, 15 साल टंकी को लगे हुए हो गई जाटर बस्ती में, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। जात कनवारा में 4 गांव लगते हैं, 3ों गांव में RCC पानी की व्यवस्था पूरी है, कनवारा को छोड़ के हर जगह व्यवस्था पूरी है, और कनवारा में अधिकतर जाटों समाज में कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर उसके पास जाओ तो ये कहते हैं तुमने के वोट दिए हैं, तो हम आपकी व्यवस्था सुने। तो पीले तो टंकी वो पानी हमारे पागल बना बैठा रहे। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। जय भीम साथियों, आज हम आपके बीच एक सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं, और ये गांव में जो समस्या है अपने बहुजन समाज के व्यक्तियों की, उनकी जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद के गाँव कनवारा में, और इनकी जुबानी हम आपसे सुनवाएंगे। सबसे पहले हम बड़े भाई के पास चलते हैं, जिन्होंने हमको यहाँ पर आने का मौका दिया और उन्होंने अपनी समस्या बताने की बात की। भैया जी अपना नाम बताएं। प्रदीप कुमार जी। और जो आपका जो गांव में क्या समस्या, गांव में हमारे गांव में 8-10 वर्ष हो गए हैं सरकारी टंकी को लगे हुए, लेकिन हमारे जाटर समाज में इसका पानी बिल्कुल नहीं आता है और सारे समाज में पानी आ रहा है। यहाँ हम पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें और हमारे समाज के लोग मोल ले लेकर पानी पी रहे हैं। हम लोग पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नल वगैरह है हमारे यहाँ, वो भी खराब पड़े हुए हैं, हमें बाहर दूर से पानी लाना पड़ता है। क्या आपने इस चीज़ की कभी शिकायत की, जो आपकी परेशानी है? हमने कई बार ग्राम प्रधान और BDO साहब से शिकायत की, लेकिन हमारी कोई समस्या को सुनता नहीं है। हम कह कह के परेशान हो चुके हैं। ग्राम प्रधान के पास जब पहली बार गए तो आपसे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बोलते हैं कराऊँगा, लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा है। हमारे सभी समाज के लोग बहुत परेशान हैं जी। और थाने में कभी आपने तहरीर दी? थाने में हम कभी तहरीर नहीं दी। क्या आप जो और आगे कार्रवाई करवाना चाहोगे इस जो समस्या से, उससे छुटकारा पाना चाहते हो? बिल्कुल छुटकारा पाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे समाज में पानी आ जाए, बस हमारी यही समस्या हल हो जाए। आपकी क्या मांग है? हमारी तो यही मांग है कि हमारे समाज में पानी आ जाए और हमारे सभी समाज के लोग पानी पिए और कोई पानी से परेशान ना रहे। जैसा कि भाई ने बताया कि सभी कोई भी गांव परेशान ना हो और सभी के पास पानी आए, और अन्य गांव वाले बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछने की कोशिश करते हैं आग्रह उनकी क्या है। ताऊ जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुमल है जी। हाँ, अपनी समस्या जो क्या, ये पानी नहीं आ रहा है, 15 साल टंकी को लगे हुए हो गई जाटा बस्ती में, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। यही समस्या है, पानी आने लगे कोई समस्या सब खत्म हो जाएंगी। आपकी सुनने वाला वैसे कोई नहीं है? आपके हिसाब से कोई सुनने वाला नहीं, प्रधान से कही एक बार कहा है, वो हाँ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं। आपकी जो सुनने वाला कोई, आपकी कोई भी शिकायत नहीं हुई, आप इससे छुटकारा चाहते हो जो आपकी परेशानी है? हाँ, छुटकारा पाते हैं कि समस्या हल हो जाए, छुटकारा हो जाएगा। आपको ये गलत लगता है जो 15 साल से आपके यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है? हाँ, गलत तो है ही है, पानी नहीं आ रहा है। टंकी बनी हुई है, दुजातियों में पानी आ रहा है, दलितों में पानी नहीं आ रहा है। सरकार से क्या मांगे आप? ये समस्या ये है कि पानी आने लगे बस। तो जैसा कि अंकल जी ने भी बताया और भाई जी ने बताया और अन्य गांव के व्यक्तियों से भी पूछने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम भगवान सिंह है साहब। भगवान सिंह जी, तो आप ये बताइए, जैसे कि इन भाइयों ने बताया, भाई ने बताया, ताऊ जी ने बताया, तो यही समस्या आपकी है? यही समस्या हमारी है, और क्या है, पूरा गांव मिलकर इस समस्या का विरोध करता है। पूरे जाटा बस्ती, सभी जाटा बस्ती विरोध कर रही है, क्योंकि जाटा लोग ही के यहां पर पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से विरोध कर रही है, और क्या है। अगर आपको पानी नहीं, जैसे कि आपको पानी नहीं आया, तो आप आगे विरोध करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे, जब तक पानी नहीं आएगा तब तक। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि हमारे बस्ती में पानी आना चाहिए जी। ताऊ जी आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी सर यही मांग है, 15 साल से पानी नहीं आ रहा है हमारे मोहल्ले के अंदर जी। और आप संघर्ष कर रहे हो पानी? भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई पानी सुनता ही नहीं, कहीं जाओ, किसी जिले पे जाओ, कोई सुनता नहीं हमारी। और क्या समस्या है? नल वगैरह की समस्या? नल सारे खराब डरे हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है, और सारे खरंजा और डरे हुए कीचड़ में चल रहे हैं सारे लोग हमारे। समस्या ऐसी समाज के व्यक्तियों को ही है? अरे सर, ये तो ये है कि किसी का सुनता ही नहीं है, कोई किसी प्रधान पास जब वो कहते हो जाएगा कोई सुनता ही नहीं, हमारी पानी की परेशान है लोग सारे।
कोई आपकी समस्या सुनने के लिए नहीं है? कोई है ही नहीं सर। तो अन्य व्यक्तियों से जानने की कोशिश करेंगे भाई, जो आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम उदय प्रताप है। तो ये जो समस्या है, आप भी इसके शामिल हो सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर? हाँ, सब व्यक्तियों के साथ हैं, सब मिलकर संघर्ष करोगे इनके साथ मिलकर? हाँ, मांग कर रहे हो पानी मंगाने की? पानी मंगाने की मांग कर रहे हैं जी भाई। तो जी आपकी क्या मांग है? हमारा तो मांग यही है, पानी मंगाओ और गलियों खरंजाओं को सब। अब हम गांव की महिलाओं के पास आ गए, उनकी भी जुबानी सुनवाएंगे आकर क्या परेशानी है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा परेशानी आती है पानी की समस्या। तो सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज। क्या समस्या है गांव में? गांव में समस्या देखो जे ना, तो जे सबसे जे आरसी भाई खरंजा बेकार है, पानी की समस्या पूरी है, पूरी पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे पानी की। आपने कभी मांग कर रहे हो सबके साथ गाँव में मिलकर पानी? चलो ठीक है, आप यही समस्या पानी? हाँ, यही पानी 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 मंगाना और कहा है। ठीक है, जैसे कि पूरे गांव वाले व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या है, और हम आपको कुछ तस्वीरें नलों की भी दिखाएंगे, जहाँ पर भी नल खराब है सभी की दिखाएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। कनवारा में चार गाँव लगते हैं, तीनों गाँव में RCC पानी की व्यवस्था पूरी है, कनवारा को छोड़ के हर जगह व्यवस्था पूरी है, और कनवारा में अधिकतर जाटव समाज में कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर उसके पास जाओ तो ये कहते हैं तुमने के वोट दिए हैं, सब आपकी व्यवस्था सुने, ये समस्या है। तो आपने उनको वोट नहीं दिया? अरे वोट तो ना गंदा है। अच्छा, और का तो कैसे है तुम वोट भाई बताओ? क्या हमारे लंबर आते तो बिजली हट जाते हो? प्रधान बाबा कामे होने ना अब ना होने तो अब है तो करवा दे ना पता, ये गरीब रवा दे मारा, हमें लालच में दे रात हो, अब तो पी ले तो टंकी वो पानी, हमारे पागल बना बैठा रहे हैं।